हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं हूँ अश्विनी श्रीवास्तव। जैसे कि आप सब मेरा नाम जानते ही होंगे, नाम है मेरा अश्विनी श्रीवास्तव। और हम यहाँ पे आपको जो स्टार्ट कराने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट कराएंगे। तो जिस किसी ने सब अभी तक मेरा चैनल इंजीनियरिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ माई डियर स्टूडेंट, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए इंजीनियरिंग क्लासेस। क्लियर? ये मेरा चैनल है, जी क्लासेस में आप सबका मोस्ट वेलकम है। और आप कि यहाँ पे जो कोर्स होने वाला है किसके लिए, गेट 2021 के लिए, वो आपका कैसा होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कैसा होगा आपका? फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है हम आपको फुल कोर्स कंप्लीट करें। तो आप हमें किस फॉर्म में सपोर्ट कर सकते हैं? आपका सपोर्ट होगा हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आके अगर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी को आपस में, अपने फ्रेंड्स में, और आपके अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देखिए, आप इतना सो कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं जाती, बाकी पे नहीं करना पड़ रहा है आपको कुछ। तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने पर इतना आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट इसी फॉर्म में है कि आप हमें सपोर्ट सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक की फॉर्म में करें इंजीनियरिंग क्लासेस को। देन आपको जो हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, मैथमेटिक्स गेट के लिए कंप्लीट कराने जा रहे हैं। अगर हम बात करें मैकेनिकल की, मैं खुद मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, तो आपको मैकेनिकल कोर्स कराए जाएंगे यहाँ पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसे हम कंप्लीट कराएंगे, तो हम आपको बता दे रहे हैं। वो कोर्स है आपके, सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, देन इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे अपन लोग। एप्लीकेशन के बाद हमारा कंप्लीट होगा आरएसी, देन आपका क्या होगा, एचएमटी की बात कंप्लीट होगा, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स आपका यहाँ पे हम कंप्लीट कराएंगे, देन पावर प्लांट। तो इतने सब्जेक्ट्स जो कंप्लीट होंगे जो थर्मो थर्मो से रिलेटेड है, एंड देन फ्लूइड मैकेनिक्स वो कंप्लीट मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी, एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये भी मेरे थ्रू आपको कंप्लीट होगा। तो जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, आप जानते ही हैं इंजीनियरिंग मैथ्स जो है सबसे ज्यादा मार्क्स के उन्होंने सब्जेक्ट होते हैं। 15 मार्क्स आपके हर साल इसमें आते हैं। तो आप सपोज करके चलिए कि अगर आप 100 मार्क्स के पेपर में 15 मार्क्स आप सॉलिड प्रिपेयर कर लेते हैं, तो अगर आपको क्या करना है, काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने रैंक इम्प्रूव करने के लिए, मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए गेट के एग्जाम में। तो चलिए आज हम आ रहे हैं आइगन वैल्यू पर। तो जैसे आपको पता है आइगन वैल्यू आपको कितना 2 मार्क्स का आता है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आइगन वैल्यूज क्या होती है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी होती है, कौन कौन से आपके टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइगन वैल्यू आपकी क्या होती है, ठीक है? तो अभी हम बताएंगे। सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आपका कोई एग्जाम्पल है, इसमें कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1, 2, 1 एंड 3, दिस इज एक मैट्रिक्स। आपके पास क्या बेटा, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स से कि जो आपके रूट्स निकल के आएंगे, अगर हम बात करें इसके क्या करेक्टरिस्टिक रूट, इन्हें कहते हैं करेक्टरिस्टिक रूट फाइंड होते हैं, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो वो जो होते हैं आपके करेक्टरिस्टिक रूट, उसी को आपके कहते हैं आइगन वैल्यू कहते हैं। बहुत सारे बुक्स में इसका नाम आइगन वैल्यू है। गेट में कभी कभी ये लेटेंट रूट के नाम से भी आता है, यह ऐसे कहते हैं प्रॉपर रूट, प्रॉपर वैल्यूज के नाम से भी आता है। तो ये अलग अलग इसके नाम है। आप हो सकता है कि अगर वो एग्जाम को बहुत से बच्चे क्या सिर्फ आइगन वैल्यू के नाम से उसको कहते हैं, वो लेटेंट के नाम से कह दिया, प्रॉपर वैल्यूज के नाम से आपसे कह सकता है। एग्जाम को टफ बनाने के लिए आपके बहुत सारे वेज होते हैं। नो प्रॉब्लम, आपको क्या करना है, किसी भी नाम से आए आपको वही चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो ये क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटे, आपके रूट होते हैं। बात समझ में सभी को आ रही है यहाँ तक? कोई किसी को आई थिंक डाउट तो नहीं हो रहा होगा कि हाँ ये डाउट जैसी कुछ सिचुएशन है। सेकेंड, अगर आप कोई करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स एक्स ले लेते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स एंड राइट डाउन कॉल कॉलम की बात करते हैं, दिस इज X1, दिस इज X2, X3 एंड सो ऑन, दिस इज कॉलम वाइज। अगर हम कोई इसी को रो वाइज लें तो दिस इज X1, X2, X3 एंड सो ऑन XN तक। आपकी ये हो जाती है मैट्रिक्स। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, करेक्टरिस्टिक सभी को मालूम है क्या होगी, A-λI इज इक्वल टू 0। ये इसकी होती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। अगर हम ए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फाइंड करें, दिस इज क्या, व्हाट इज, ये आपकी क्या है, वो है मैट्रिक्स, ये और ये क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। इसी इक्वेशन से आपके क्या फाइंड होते हैं, आपके ये रूट्स फाइंड होते हैं, और इन्हीं रूट्स को क्या कहते हैं हम लोग, आइगन वैल्यूज कहते हैं। सभी को यहाँ पे क्लियर हुआ आइगन वैल्यू क्या होती है? चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी एग्जाम के पॉइंट कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बेटा यहाँ पे 4 to 5 प्रॉपर्टीज बताऊँ, 4 to 5 प्रॉपर्टीज होंगी जिसके बारे में अपन यहाँ पे बताने वाले हैं, और ये आपके आइगन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक भी गेट में नहीं मिस होंगे, आप वहाँ पे फटाक से इसको निकाल लेंगे। तो
चलिए जरा प्रॉपर्टी फर्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहता है? द सम ऑफ आइगन वैल्यू, द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, नहीं समझिएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स या प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर? तो अब आपको समझ में आया कि एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इस प्रॉपर्टी को आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा, हम अब आपको इसमें क्वेश्चन को लेके समझाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सम ऑफ आइगन वैल्यू। चलिए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, सब अच्छे से क्लियर। सपोज एक मैट्रिक्स आप ले लेते हो बच्चा, ए इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स, दिस इज द वैल्यू 1 1 3 1 5 1 एंड 3 1 1। क्लियर? सो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, उसको आपको क्या निकालना है, सम ऑफ आइगन वैल्यू बनाना है। कह रहा है यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो अगर अब आपको नहीं आती है प्रॉपर्टी, तो आप बेटा क्या करोगे, ये वाला काम करोगे, सबसे पहले आप इक्वेशन बनाओगे, फिर फाइंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 फाइंड करोगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ पे इसको प्लेस करोगे, तब निकालोगे, करोगे ये काम। लेकिन अब इस प्रॉपर्टी ने क्या किया, इसको बहुत ज्यादा ईजी बना दिया। कैसे ईजी बना दिया? उसने क्या कहा कि सम ऑफ आइगन वैल्यू, यानी कि जो आइगन वैल्यू का सम है, ये क्या होगा, मैट्रिक्स में सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, मीन्स आपकी जो मैट्रिक्स होगी उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल, इसके जो एलिमेंट है इनका सम जो होगा वही आइगन वैल्यू का सम कहलाएगा। तो क्या हो गया, हम बात करेंगे 1 5 प्लस 1, दिस इज नथिंग, इट इज इक्वल टू व्हाट, 7। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू का सम हुआ, तो वो क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल मैट्रिक्स का सम। तो कह सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल सम होगा किसका, आपका इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी मजेदार थी, मजा आया पढ़ के। देखो ये इंपॉर्टेंट, मैं किसी भी मैथ्स में इसलिए आपको बोलती हूँ, देखो टाइम आपका कंज्यूमिंग नहीं होगा, इजीली आपको निकालोगे। तो सबसे पहले ट्रिक सभी को क्लियर हुई प्रॉपर्टी आइगन वैल्यू को लेके, इसी पे एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है सेकंड, और ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, सिंसियरली सुनिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स any matrix is equal to its determinant. This is a very important key point. Again, this is very important. Product of eigen value any matrix. अब इसको भी जरा अपन समझते हैं। चलिए कैसे समझेंगे, इसका भी एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं बेटा। यहाँ पर भी हर प्रॉपर्टी को बेटा मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगी जिससे आपको याद हो जाए। तो कह रहा था कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है, उसके आपको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना है, या इसको आप कह सकते हैं वही चीज आइगन वैल्यू कह सकते हो, या तो या प्लेस वैल्यू कुछ भी कह सकते हो। तो अब आपके पास कोई मैट्रिक्स से ए इज इक्वल टू नथिंग, दिस इज अ 5 4 1 एंड 2, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं 2 5, बी ऑप्शन 3 4 1 6, सी एंड डी ऑप्शन इज व्हाट, नथिंग, इट इज अ 2 एंड 5। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, निकालो जरा, देखें कितने बच्चे आंसर निकालते हैं। अब इसमें कुछ फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट बोला है, तो सबसे पहले आप क्या करो, जैसा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहा गया कि आप क्या करेंगे, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट सबसे पहले आप इसको ऐड करो, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है बेटा, आपको ऐड करना है, डायगोनल एलिमेंट आपने ऐड किया तो क्या हुआ, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, यानी कि इनमें जो भी ऑप्शन में आपको 7 सम दे रखा है वही क्या होगा, आपके आइगन वैल्यू के क्या होंगे, रूट्स होंगे। देखो यहाँ पे इसका 7 आ रहा है, इसका 7 है, इसका 7 है, इसका 7 है, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, यानी कि आपके चारों ऑप्शन में क्या हो गया, सबका सम 7 आ रहा है। आप दूसरा ट्रिक क्या करेंगे, दूसरी ट्रिक ये प्रॉपर्टी यहाँ लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू,
पे मैटर इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट, मीन्स अगर आप इसमें से किसी का भी वैल्यू का क्या करेंगे, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे, यानी कि डिटरमिनेंट ए की अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स निकलेगा। चलिए निकाल लेते हैं, 5 2 10 और 4 इज इक्वल्स टू 6 हो गया। अब यहाँ पर यानी कि एक एलिमेंट यानी कि वन वैल्यू, जो आपकी वन वैल्यू ऑफ आइगन आएगी वो क्या आएगी आपके पास में, 6 आएगी, क्या आएगी 6 आएगी। अब दोनों का सम क्या है, 7 है, यानी कि दोनों का सम क्या आपके पास में यहाँ पर बेटा 7 है। एक वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है यहाँ पर, 6 आ चुकी है और 7, तो आप कुछ नहीं करेंगे तो क्या कर देंगे, अगर हम इसे ए ले ले रहे हैं यानी कि लैम्डा 1 ले लेते हैं, तो यानी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल्स टू 7, तो आपके पास लैम्डा 1 6, यानी कि आपको लैम्डा 2 निकालना है 7, लैम्डा 2 क्या आ गया आपका यहाँ पे 1 आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 1 एंड 6 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर सबको प्रॉपर्टी, क्लियर हो गई होगी माय डियर स्टूडेंट्स सभी को प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया से। चलिए अब बहुत फिर से नेक्स्ट, अच्छी देखो ये प्रॉपर्टीज क्या बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गेट के एग्जाम में, बहुत आपकी क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। इसलिए मैं आपसे बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को अभी तक इंजीनियरिंग क्लासेस को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिजनेस ले बस यहाँ कवर अप कराया जाएगा। अगर आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आपसे क्या, बच्चों से ही सपोर्ट होता है फैकल्टीज को, तो आपका सपोर्ट अपने को रहेगा, तो आप करिए हमें सपोर्ट। चलिए थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए हम बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। तो कहते हैं द आइगन वैल्यू, द आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माय डियर स्टूडेंट यू नो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही ए मैट्रिक्स के बराबर, यानी कि किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो दोनों का क्या जाए, आपकी चीजें देखने में सेम हो मैट्रिक्स की, आर प्योरली, तो उनके जो रूट्स आएंगे तो वो कैसे होंगे, प्योर रियल होंगे, वो कैसे होंगे, हमेशा रियल होंगे, हमेशा और हमेशा क्या होंगे, प्योरली आपके रियल ही होंगे। क्लियर हुआ सबको, क्या होंगे, प्योरली रियल होंगे। चलिए पर आगे बात समझ में आपको, यहाँ पर अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर ये वाली बात है तो जरा हम इसको क्वेश्चन से भी अपने सॉल्व करके देख लेते हैं। अब सपोज करिए आपके पास एक कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है कि आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसमें मैट्रिक्स की वैल्यूज क्या है यहाँ पर 2 3 2 2 एंड 3, ठीक है। अगर आप इसका ट्रांसपोज करो बच्चा तो ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज का मीन्स क्या है कि आपके जो रो है और ये आपके क्या है कॉलम है, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि फिर से क्या होगा 3 2 3, यानी कि आपके पास क्या, अब अगर हम बात करें कि ए या ए ट्रांसपोज दोनों के आपके पास में सेम आ रही है, दोनों सेम आ रही है, तो अब इसके जरा हम उस बात कर लें आइगन वैल्यूज कितनी आ रही है, ऊपर वाले की निकाल के देखते हैं। तो पहले हम इसका डायगोनल का सम करें तो कितना आ गया सम, डायगोनल का सम कितना आ गया बेटा इसका 6 हो गया, क्लियर। इसके हम डिटरमिनेंट की बात करें तो 3 3 9 2 2 4, दिस इज 5, तो इसकी वैल्यूज क्या हो गई, अगर हम आइगन वैल्यू की बात करें बच्चा, आइगन वैल्यू क्या हो गई 1 एंड 5 हो गया आइगन वैल्यू, जैसा हमने पीछे बताया। अब जरा ट्रांसपोज के निकाल के देखो बेटा, ट्रांसपोज का भी आप सम करोगे तो क्या आएगा बेटा 6 आएगा, डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो भी 5 आएगा, अगेन आप आइगन वैल्यूज निकालोगे तो वो भी क्या आएंगी आपकी 1 एंड 5। तो अब आपने एक इम्पॉर्टेंट की थिंग्स यहाँ पे ये देखी कि इन केस अगर आप किसी मैट्रिक्स को किस में कर दे रहे हो, उसके ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दे रहे हो, मीन्स उसको क्या सिमेट्रिक बना दे रहे हो, तो उसके जो आपके रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, प्योरली ऑलवेज रियल होंगे, क्या होंगे, हमेशा आपके रियल होंगे। और आप ये देख भी रहे हो, देखो आइगन वैल्यूज कैसी आ रही है, रियल ही तो आ रही है, 105 कैसी वैल्यू है, रियल है, इसमें भी कैसी आ रही है, रियल आ रही है, रियल के साथ दोनों क्या आएंगी ऑलवेज सेम आएंगी, ऑलवेज क्या होंगी आपकी यहाँ पर सेम आएंगी, क्लियर सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी थर्ड प्रॉपर्टी कहता है, ये कहता है द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा आपका, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रूट्स आर ऑलवेज, अब आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, आर ऑलवेज इमेजिनरी, कैसे होंगे आपके इमेजिनरी होंगे, और क्या होंगे आपके जीरोस होंगे, क्या होंगे आपके इमेजिनरी होंगे पहली बात, और दूसरी बात क्या होंगे आपके वो जीरोस होंगे। सभी को ये बात समझ में आ रही है ना, बढ़िया तरीके से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है,
डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं। मैं आपके कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइप का तरीके से सब्जेक्ट को लेके जो हमने पढ़ा है या एग्जाम वैल्यू को लेके अगर डाउट है तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगी, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए इसको भी आप कैसे समझते हैं, क्वेश्चन करके हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आ जाइए, क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है आपके पास, कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, 0 -1 और आपका 1 और 0 है, क्लियर? ऑप्शन चलिए मैं आपको दे देती हूँ बेटा। ऑप्शन है आपका 1 -1, बी ऑप्शन है आपके पास में आए एंड -1, सी ऑप्शन है आपका -1 एंड 0 एंड डी ऑप्शन बना है 0 एंड 1। चलिए अब आपको क्या है, अब आप सॉल्व करोगे, आपके पास में क्या है ए, अगर नहीं पता है प्रॉपर्टी लैम्डा इज इक्वल टू 0 लगाओ, फिर कैलकुलेट करो, रूट्स निकालोगे, सीधा चर फॉर्म लगाओगे, ये सब करोगे, लेकिन अपने को यहाँ कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट, अगर ये लाइन याद है आइगन वैल्यूज टू मैट्रिक्स की, रूट्स कैसे होंगे, ऑलवेज इमेजिनरी या 0 होंगे, तो बस यही आपको प्रॉपर्टी लगा देनी है। आप रूट देखेंगे, देखो ये रूट कैसे है आपके पास में, रियल है एंड नेगेटिव, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं, ऑप्शन इज ओनली आई है -4, क्योंकि जो आई होता है वो कैसे रूट होता है आपका, हमेशा याद रखोगे बेटा इमेजिनरी रूट क्या होता है आपका, इमेजिनरी रूट होता है। आप सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, देखिए यही ऑप्शन आएगा, तो ये आपका ऑप्शन, देखो गेट में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप टाइम वेस्ट क्यों करोगे कैलकुलेशन में, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपको तुरंत प्रॉपर्टी से आंसर फाइंड कर देना है। सभी को क्लियर हुआ ये, एक वह क्या कहते हैं लाइक तो बनता है ना इस क्वेश्चन पे, नहीं बनता लाइक, लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, ये क्या कहता है कि अगर आपके पास में इफ लैम्डा किसी का रूट है, अगर लैम्डा इंडिविजुअल एक का रूट है, इसे आइगन वैल्यू, ये किसकी है, इसे आइगन वैल्यू किसका है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स किसकी, ए की है, ठीक है, तो लैम्डा ही होगा, अगर वही आपका लैम्डा स्क्वायर हो जाए तो आइगन वैल्यू किसका होगा, ये आपका ए स्क्वायर की मैट्रिक्स का होगा। ऐसे अपनी तरह लैम्डा 3 की बात करें, आइगन वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये ए 3 की हो जाएगी। लैम्डा 4 ऐसी हम बात करें तो किसका आ जाएगा आपका, ए 4 का हो जाएगा। ऐसे लैम्डा एन तक अगर हम बात करते हैं तो बेटा किसका आ जाएगा, ये ए की पावर एन हो जाएगा। और 1/लैम्डा की बात करें, लैम्डा की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ए की पावर -1 यानी कि -1 हो जाता है, क्लियर? इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल छोटा सा गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, जरा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक आपको एस मैट्रिक्स के बिना जिसकी वैल्यू क्या है 3, 2, 2 एंड 3, ठीक है, और इसके आपके आइगन वैल्यू दे रखी है क्या बेटा 1 एंड 5 दे रखी है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देन यू फाइंड आपको फाइंड करना है, देन यू फाइंड विल द आइगन वैल्यूज, will the eigen value after getting result, मतलब product करके या कुछ भी करके आपको इसकी क्या निकालने हैं वो बताने हैं, कि आपके a square अगर matrix हो जाए तो आपको क्या बताना है, lambda की value बतानी है। तो बस आपको अगर value पता है, आप अगर जानते हैं solution करना, तो आपको ये properties लगा दो जो मैंने आपको बताई है। अगर a की यानी a कहते हैं, चलिए a लेते हैं, ए मैट्रिक्स की बात करें तो उसके लैम्डा ये हो गए, ए स्क्वायर की बेटा बात करोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 × 25 हो जाएगी। ए क्यूब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो यानी कितना हो गया यहाँ पे 125 हो गया। ऐसे हम निकाल लेंगे कहाँ तक, ए एन तक निकाल लेंगे, तो आपके क्या हो जाएगा 1 की पावर n और 5 की पावर भी n आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा। तो यहाँ तक सभी को आइगन वैल्यू क्लियर हुई, आइगन वैल्यू सभी को क्लियर हुई, एक बार जरा थंबनेल प्रेस कर दीजिएगा, इतनी मेहनत से आपके लिए भी हम लोग मतलब कोशिश करके अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे कंसेप्ट खोज के लाते हैं, जिससे आपको क्या मिल सके, काफ़ी हेल्प मिल सके बेटा, है ना। इसलिए चलिए एक दो क्वेश्चन जरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, ये रहा फाइंड द करेक्टरिस्टिक रूट, फाइंड द करेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यूज, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए इज इक्वल टू 8 -6 -2 -6 7 -4 and 2 -4 and 3 -4 and 3, ठीक है। आपको ऑप्शंस यहाँ मैं दे दे रही हूँ बेटा, ये है ऑप्शन 3 7 8, बी ऑप्शन है आपका 2 2 4
2 2 14 0 3 15 1 4 9। ठीक है, ये आपका जरा ऑप्शन है। अब आप जरा सा सॉल्व करें बेटा क्वेश्चन को और मुझे बताएं सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, अब हमें कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन देखना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट वही करना है आपको। क्या करना है, डायगोनल का सबको क्या करना है, सम कर देना है। सभी एनी प्लेन का क्या करोगे आप बेटा, यहाँ पे सम करोगे। कैसे करेंगे सम, 8 + 7 + 3 तो कितना हो गया, यहाँ पे आपका सम कितना आ गया बेटा, 18 आ गया। पहला स्टेप, तो यानी कि अगर आप सम करो इन सभी रूट में जिसका 18 है, ऑप्शन आ जाएगा। अगर इसका भी 18 है, 14 18 18 14 और 9, तो सबसे पहले आपका क्या चला गया, डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। यानी कि इसका सम भी 18 है, इसका सम भी 18 है, इसका सम भी 18 है, तीन ऑप्शन यहाँ पे 18 सम वाले हैं। तीन में से आपको सही सिलेक्ट करना है। स्टेप टू वही करोगे जैसे हम बता चुके हैं। स्टेप टू आपका क्या करना है बेटा, लोग स्टेप टू की अगर आप वन बात करते हैं तो स्टेप टू में आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टेप टू की अगर बात करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा स्टेप टू, क्या हो गया इसमें, हैंग कैसे हो गया ये सिस्टम आपका, चलिए जरा देख लेते हैं, घबराइएगा नहीं कि कहाँ गया, हो जाता है कभी कभी ऐसा, चलिए आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या था, 3 था, तो आपका यहाँ ऑप्शन आ रहा था। अब स्टेप नेक्स्ट आपको सेकंड की बात करते हैं, तो स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको, डिटरमिनेंट निकालना है। इसका डिटरमिनेंट क्या है वो चेक करना है। तो आप निकाल लो की वैल्यू, तो वन रूट मस्ट बी 0, सो मेक अ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, इसका ये डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट जैसे ही फाइंड हो जाएगा तो आपका रूट निकल आएगा। क्या डिटरमिनेंट में भी क्या निकालना है अब आपको वो देखिए। डिटरमिनेंट में आपको ये देखना है कि डिटरमिनेंट आपका 0 आ जाए। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए किसी भी रो कॉलम के साथ में कहीं प्रोडक्ट करके, तो आप एक ये श्योर हो जाओगे कि इसका एक रूट क्या आएगा, 0। चलो एक मैं शॉर्ट ट्रिक अब आपको बताने जा रही हूँ डिटरमिनेंट निकालने की। देखिए कान खोल के जरा सुनिएगा, डिटरमिनेंट आप कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक ऑफ डिटरमिनेंट, ये शायद मैं लास्ट वीडियो में बता भी चुकी होंगी, एक बार आप वहां देख लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक ऑफ डिटरमिनेंट, शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालोगे, जैसे सपोज यू हैव एक कोई आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हम बात कर रहे हैं 8, यही वाली लेते हैं, -6 2 -6 7 -6 7 -4 एंड 2 -4 एंड 3, ये आपकी मैट्रिक्स है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करिए, आपको जो फर्स्ट कॉलम है इसको आप यहाँ लिख दीजिए 8 -6 एंड 2, अगेन सेकेंड कॉलम को आप लिख दीजिए -6 7 एंड -4, बस अब आपका काम क्या हो गया, बिल्कुल हो गया, काम क्या हो गया, बिल्कुल हो गया। सबसे पहले आप बेटा क्या करेंगे, ये लाइन का प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा अगर अपन निकालें, क्या हो गया 8 7 का कितना हो गया 56, 56 इंटू क्या हो गया आपका 3, कितना आ गया इसका प्रोडक्ट हो गया 168 हो गया, क्लियर। प्लस आपको सेकंड का निकालना है इसी तरीके से, 6 4 कितना हुआ 24 इंटू कितना हो गया आपका 2, तो ये कितना हो गया आपका प्लस का 48 हो गया। फिर प्लस साइन के आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 6 2 12 24 इंटू 2, अगेन क्या हुआ आपका यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस 48 हो गया, क्लियर बेटा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। अब ये चीज आपने जैसे ही कर ली बेटा, जैसे ही कर ली, अब आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में ये वाले चलने अपोजिट, तो आप इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो 6 6 का क्या हो गया प्लस माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस साइन, ब्रैकेट के सामने लगा देंगे तो क्या होगा 36 इंटू 3 कितना हो गया आपका 108 हो गया। प्लस क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करना है अपोजिट डायरेक्शन में चलने, तो ये वाले का प्रोडक्ट करोगे 4 4 16 इंटू 8 कितना हुआ आपका 128 हो गया आपका। आप इसके साथ प्रोडक्ट करो कितना हो गया 2 2 4 4 7 कितना हो गया आपका बेटा यहाँ पर 28 हो गया, क्लियर। अब आप जरा इसको सॉल्व कर लेंगे 128 28 + 108, तो ये आपको कितना हो गया 264 माइनस का यहाँ आ गया ब्रैकेट में, क्लियर, वो कितना हो गया 168 + 48 + 48, तो ये कितना आ गया 264 हो गया प्लस का ये माइनस का। तो अब इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया बेटा, 0 आ गया कि नहीं आ गया, ये कैंसिल हो गया। देखो डिटरमिनेंट निकालना कितना आसान है, तो यही चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट 0 आ गया। जैसे ही डिटरमिनेंट 0 आ गया बस अब आपके हाथ में बहुत बड़ी बात लग रही है, पहला कि एक रूट आपका 18 हो गया, मतलब सम क्या हो गया। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन में एक रूट किसका 0 है, यही तो है यहाँ पे 0, ऑप्शन सी, और सम भी कितना है इसका अगर हम बात करें, सम क्या हो गया 18 भी आ रहा है, वन रूट क्या हो गया आपका, वन रूट विल बी 0।
तो आपका ऑप्शन निकल आया। इस टाइप के आपके सिंपल सिंपल गेट्स में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चों उनको बहुत लेंथी समझ लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो अभी हम फिर से बना रहे हैं और जल्द से जल्द अभी आपको देने वाले हैं। तो बेटा जिस किसी ने फिर से मेरा वही कह लिया इंजीनियरिंग क्लासेस को, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट इंजीनियरिंग क्लासेस को आप सभी लोग क्या कर लें बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे हमें सपोर्ट मिलेगा, जितना ज्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा हम उतने ही एफर्ट से आपको अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे पढ़ाएंगे मैथ्स में, जो आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कराए। तो सब्सक्राइब करना है बेटा, आपको लाइक करना है हमारी चैनल को और अपने साथ में सभी स्टूडेंट को शेयर करना है। ठीक है, बाकी जिससे कि हम क्या करें, जितने ज्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल में जुड़ते जाएंगे उतना ही जल्दी हम आपको क्या देंगे, लाइव क्लास देंगे। ठीक है, लाइव क्लास देंगे। लाइव क्लास में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट रहेगा, आपके जो भी डाउट है आप डायरेक्टली अपन से पूछ सकते हैं और यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट बेटा आपको भी यहाँ करना पड़ेगा, विदाउट एफर्ट तो कुछ नहीं होता है और आपको पे भी हम नहीं करवा रहे हैं, तो आप इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग क्लासेस को बेटा जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आप पढ़ते रहिए, तब तक बढ़ते रहिए। चलिए बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय।